हाँ तो दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 16% से बड़ा है और ये नंबर आया है 12,597 करोड़ पे, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे 41% से बड़ी है और ये नंबर 1,159 करोड़ पे आया है। देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो 71% से बढ़ा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 31% से बढ़ी है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो इसकी ग्रोथ कम है, क्योंकि जो नॉर्मली जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ी है, तो उसी की वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेट्रोनेट ने रिपोर्ट किए हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये मत सोचिए कि अभी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि लगभग 3 से 3.5% का डिविडेंड होता है। तो देखिए, 218 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 300 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ से देखा जाए तो ऑलरेडी ये स्टॉक मोर देन 25% नीचे गिर चुका है। तो देखिए, वैल्यूएशन पैरामीटर्स में यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है और अभी कंपनी ने ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15 से 20% CAGR के, तो वो एक्सपेक्टेशन आपके यहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक PSU कंपनी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जितना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट डिविडेंड डिमांड करेगी और डेफिनेटली वहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो एडजस्ट होगा और आपको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 5 से 6% का आपने डिविडेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपने यहाँ पे 4 से 5% या फिर मोर देन 6 से 7% के लगभग का आपने कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो उससे ज़्यादा अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपने अवॉइड करना चाहिए, उतनी ही अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपने डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूँ कि पेट्रोनेट एलएनजी के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।